सड़क में जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, वहां तक सिर्फ ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां लोग लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। इन हजारों प्रदर्शनकारियों ने रविवार को डाउनटाउन हांगकांग के माध्यम से मार्च में प्रस्तावित नए प्रत्यर्पण कानून के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मार्च किया। 2014 में हांगकांग के आखिरी बड़े पैमाने पर विरोध आंदोलन को याद करते हुए कई लोगों ने पीले रंग की छतरियों में भी इस विरोध के साथ खुद को दर्ज कराया, क्योंकि 2014 में हुए आंदोलन में लोग पीली छतरी के साथ सबसे अधिक देखे गए थे। रविवार के मार्च की शुरुआत उम्मीद से थोड़ा पहले हुई और लोगों ने लगातार सरकार को जगाने के लिए खूब नारे लगाए और कई किलोमीटर तक ये लंबा प्रदर्शन जारी रहा। प्रतिभागियों ने हांगकांग के नेता कैरी लैम पर हांगकांग को बेचने का आरोप लगाते हुए तख्तियां ली और उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा। प्रस्तावित नए प्रत्यर्पण कानून के बारे में लोगों को पिछले महीने सड़कों पर लाया गया था। पिछले हफ्ते 2014 के ऑक्यूपाई सेंट्रल आंदोलन के आयोजकों को 16 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। 1997 में चीन लौटने के बाद से हांगकांग ने मुख्य भूमि चीन से एक अलग कानूनी प्रणाली बनाए रखी है।